अगर तुम कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पहले DSA आना चाहिए। कुछ लोग स्क्रीन कास्ट करते हैं तो उनकी YouTube वीडियोस देख सकते हो, उनका थॉट प्रोसेस समझ सकते हो कि उन्होंने कैसे सोचा, कैसे वो एंड पॉइंट पर पहुंचे। तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नए टॉपिक सीख के पहुंच सकते हो, लेकिन उसके बाद केवल प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें ग्रो करवाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग निंजास चैनल। माई सेल्फ विशेष एंड गाइस, इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल सी पूरा रोड मैप, राइट? हम पूरे गाइड डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन सकते हैं और हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। सपोज तुमने अभी नहीं करी हुई, ठीक है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, राइट? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एंड गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो सब्सक्राइब करो हमारे कोडिंग निंजास चैनल को फॉर मोर सच अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें चूज करनी होगी अच्छे वाली, ठीक है? तो मैं प्रेफर करता हूँ C++ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो गाइज, कुछ लोग हैं जो जावा में भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन में भी करते हैं, बट यार C++ के अपने ही बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट है C++ में? सबसे यूजफुल चीज़ जो तुम्हें मिलती है STL, स्टैंडर्ड टेम्परेरी लाइब्रेरी, ठीक है? दूसरी चीज़, तुम्हें C++ में टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है? एंड C++ की जो कम्युनिटी है ना, वो वाइड है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कंपेयर करोगे ना, तो मोस्टली C++ यूज़ करते हैं। ऐसा है कि लोग जावा और पाइथन भी यूज़ करते हैं, बट तुम्हें यदि कुछ 5-star 6-star कोडर बनना है ना, तो आई वुड रेकमेंड C++ सीख लो। अगर तुम्हें जावा आती है तो C++ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो तुम 1-2 वीक में C++ सीख सकते हो, बिकॉज यू नो द बेसिक्स, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए C++। एंड देन उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो तुम्हें आने चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले जो बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, लाइक किसी नंबर की पावर निकालना, ठीक है? तो उसको लॉग एन में कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशिएशन, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, GCD निकालना। तो ये कुछ बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स के जो तुम्हें आने चाहिए। फैक्टोरियल निकालना, ठीक है, DP से, ठीक है? ये बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स से जो तुम्हें आने चाहिए। एंड गाइस, अगर तुम कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पहले DSA आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें पूरा अच्छे से DSA आना चाहिए, तुम मास्टर होने चाहिए DSA में, लेकिन तुम्हें हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। DSA में जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो कैसे काम करते हैं। सो तुम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो वाइल लर्निंग CP, ठीक है? तो देखो, तुम बेसिक सपोज करो तुम्हें आता है ये स्टैक्स, क्यूज, ठीक है, प्रायोरिटी क्यूज, ग्राफ्स, DP, ये बेसिक आता है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुम हर टॉपिक में मास्टर हो, लेकिन तुम्हें बेसिक आता है, बाइनरी सर्च, ये सब। इन चीज़ों को तुम मास्टर कैसे करोगे? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से मास्टर करोगे। तो गाइस देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये जो मैंने टॉपिक बताया, इनको लेके चलना, ये पहले से कर लेना कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? अब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब शुरू करोगे तो उसमें कौन कौन से तुम नए टॉपिक सीखोगे? तो गाइस, सबसे पहले तो बाइनरी सर्च की बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ये तुम बहुत अच्छे से सीखोगे। सेकेंड थिंग, बिट मास्किंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बिट मास्किंग का काफ़ी अच्छा यूज होता है, तो ये भी तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ही सीखोगे, ठीक है? अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो DP एंड ग्राफ्स, ये काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं एंड कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही हैं, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं इन टॉपिक के, DP और ग्राफ्स और ट्रीज, ठीक है? तो ये जो 3-4 मैंने टॉपिक बताई, ये मेन है जो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से मास्टर करोगे। एंड इसका तुम्हें बेनिफिट है ना, जो तब मिलेगा जब तुम किसी कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट दोगे, तो वहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना बेनिफिशियल रहता है। एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यदि कुछ एडवांस टॉपिक्स की बात करूँ तो यार, स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, अपने सेगमेंट ट्रीज, फेनविक ट्रीज, ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, जैसे SOS DP, तो ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो ये तुम अभी पहले एवरेज लेवल CP करो, डिसेंट लेवल CP, उसके बाद ये सब एडवांस टॉपिक करना, ठीक है? तो अभी CP के लिए हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए,
कौन कौन से करेंगे, ठीक है, कौन कौन से सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। अब और सीपी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे तुम C++ में करोगे ना तो तुम्हें STL पहले से ही आना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हें बाद में वेक्टर मैप्स हैश मैप्स लाइक सेट इनके बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें यदि एक बार बेस होगा ना तुम्हारे पास, तो तुम अच्छे से बिल्डिंग बना सकोगे, समझ रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी ठीक है, तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, ठीक है, शुरू कर दी, तुमने कॉन्टेस्ट देने शुरू कर दिए बेसिकली। तो कॉन्टेस्ट कौन कौन सी वेबसाइट पे दोगे? आई थिंक जो मैं देता था वो कोड फोर्सेस पर देता था, कोड शैक पे देता था एंड एड कोडर पे देता था। तो गाइस कोड फोर्सेस पे काफ़ी अच्छे कॉन्टेस्ट होते हैं, डिफिकल्टी लेवल रहता ही है। एंड देन कोड शैक पे एंड एड कोडर पे, एड कोडर पे यार बिगनर लेवल कॉन्टेस्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें क्या होता है ना, पहले 2-3 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, वो कॉन्फिडेंस दे देते हैं, एंड देन उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। एंड वो क्या होता है ना, वो उस कॉन्टेस्ट में वो हर टॉपिक कवर कर देते हैं ग्राफ डीपी का, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बेसिक होता है। यदि तुम्हें थोड़ी बहुत करी हुई है ना तो तुम कर सकते हो। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ एड कोडर पे बिगनर लेवल कॉन्टेस्ट दो, कोड शैक पे दो, कोड शैक पे जो स्टैंडर्ड कॉन्टेस्ट होते हैं लंच टाइम कुक ऑफ, एंड देन कोड फोर्सेस पे Div 2 Div 3 दो, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट देने से ही तुम सीखोगे यार, ऐसा तो है नहीं कॉन्टेस्ट में तुम पूरे क्वेश्चंस कर दोगे। तो जो पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, सपोज करो कॉन्टेस्ट में 6 क्वेश्चन आए, ठीक है, तो तुमने 2 तो सॉल्व कर दिए और तुम थर्ड ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, तो थर्ड जो तुम ट्राई कर रहे थे उसको कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद अपसॉल्व करो। अपसॉल्व करने का मतलब उस क्वेश्चन को दोबारा करने के ट्राई करो, क्योंकि वो तुमसे तब नहीं हुआ था, एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर रहे थे, मतलब तुम्हारे लेवल का तो है, तुम्हारे लेवल का है, तुम्हारे मतलब होने लायक क्वेश्चन है, तो तुम्हें वो जरूर करना चाहिए। तुम कैसे कर सकते हो, देखो एडिटोरियल पढ़ सकते हो, एडिटोरियल पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब वीडियोस, कुछ लोग स्क्रीन कास्ट करते हैं तो उनकी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, उनका थॉट प्रोसेस समझ सकते हो कि उन्होंने कैसे सोचा, कैसे वो एंड पॉइंट पर पहुंचे। तो ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ अप सॉल्विंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस अप सॉल्व करना, इसी से ही तुम नया कुछ सीखोगे, ठीक है। जो तुम्हें आता ही है वो तुमने अप्लाई करके तो 2 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन नया कैसे सीखोगे? जब कुछ नई वीडियोस देखोगे वहां से समझोगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। एंड गाइस देखो कॉन्टेस्ट तो होता है रात को होता है ना, तो वो तो एक होता है, तो पूरा दिन क्या करोगे? तो पूरा दिन तुम्हें टैग लगा के क्वेश्चन करना, बेसिकली अपनी रेटिंग के हिसाब से। सपोज तुमने डिसाइड कर लिया 1200 से 1300 रेटिंग, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, डिफरेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के, तो वो क्वेश्चंस ट्राई करना। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं होगा तो उसका तुम एडिटोरियल देखोगे या फिर यूट्यूब वीडियो देखोगे, तो वहाँ से तुम वो पर्टिकुलर टॉपिक को मास्टर कर रहे हो। और मैंने बताया जैसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक मास्टर हो जाएंगे तुम्हारे, डीपी ट्रीज ग्राफ बाइनरी सर्च की टॉपिक्स मास्टर हो जाएंगे। एंड कंपनीज का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ना वो इन्हीं पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेनिफिशियल रहती है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कॉन्टेस्ट कहाँ कहाँ पे दोगे और अपसॉल्व करना क्यों जरूरी है। सो गाइज अगर तुम DSA का कोर्स करना चाहते हो या फिर कॉम्पिटिटिव का कोर्स भी करना चाहते हो, तो कोडिंग निंजा की वेबसाइट पे अमेजिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड दे आर द टॉप रेटेड, इवन दे आर अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो गाइज तुम एक बार जरूर कोडिंग निंजा की वेबसाइट पर जाओ एंड वहाँ पे अमेजिंग डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो तुम वहाँ पे ट्रायल लेके भी देख सकते हो। तो आई थिंक यू शुड विजिट द वेबसाइट वंस, राइट। वहाँ पे डेवलपमेंट कोर्सेज भी हैं और DSA का कोर्स C++ जावा एंड पाइथन में भी अवेलेबल है, तो डू विजिट द वेबसाइट वंस। सो गाइज हमने बेसिक देख लिया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एंटर कैसे करें एंड उसके बाद क्या जर्नी रहेगी। लेकिन यार क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अप टू सम पॉइंट हम ग्रो करते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नए टॉपिक सीख के पहुंच सकते हो, लेकिन उसके बाद केवल प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें ग्रो करवाएगी, ठीक है। हो सकता है तुम अभी तक स्पेशलिस्ट बन के रुक चुके हो कोड फोर्सेस पे, ठीक है, तो इसका मतलब है तुमने जो टॉपिक्स थे वो पढ़ चुके हो, टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। तुम मतलब जल्दी से जल्दी पता नहीं कर पाते हो कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक लगेगा, ठीक है, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो वो कैसे सीखोगे? वो प्रैक्टिस से सीखोगे। तो यार देखो तुम 5-star 6-star कोडर या फिर एक्सपर्ट बनना तो चाहते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 1 month में बन जाओगे, 15-20 दिन में बन जाओगे। ये जर्नी है यार, ये टाइम लेती है। आई थिंक 5-6 months यदि अच्छे से कंसिस्टेंटली करोगे ना तो तुम अच्छे से 5-6 star कोडर बन जाओगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा करोगे एंड उस पर कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट भी बन सकते हो इजिली, ठीक है। तो बात है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करना,
प्रैक्टिस को कभी मत छोड़ना, हो सकता है तुमसे क्वेश्चंस ना हो, उनको देखना, एडिटोरियल देखना, यूट्यूब वीडियो देखना होगा, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस रखना। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, यू कैन सब्सक्राइब टू अकॉर्डिंग निंजास चैनल, एंड वी आर कमिंग अप विद द DSA सीरीज एज वेल, सो यू कैन वॉच आउट दैट एज वेल। सो गाइस, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।